हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स कोचिंग। आज हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.25 का एक पार्ट, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड मेटल रोड है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। उससे मिडिल पॉइंट से हाइट जेड पे अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अपने को इस रोड से मिडिल पॉइंट से पी पॉइंट पी तक क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए वी इक्वल्स टू क्या आता है, जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन 4πε0 और आर। ओके, सो डी वी, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ है। इस ओ से एक्स डिस्टेंस पे एक मेटल का छोटा सा पार्ट लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, डी एक्स। तो इस डी एक्स के अंदर लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेमडा, इसलिए लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2L टोटल लेंथ। सो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एक्स। ओके, सो ये हो गई पहली बात कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब इस पॉइंट से पी पॉइंट तक अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कह देते हैं आर। सो ये डिस्टेंस क्या है, आर। सो अपने को ये वैल्यू मिल गई जो अभी हम इसमें पुट करेंगे, तो वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन 4πε0 आर। ओके, अब डी क्यू की वैल्यू ये रही लेमडा डी एक्स अपॉन 4πε0 और आर की वैल्यू ये, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटीग्रेशन। सो वी इक्वल्स टू लेमडा इज कॉन्स्टेंट, अब 4π अपॉन ε0 इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड। सो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिमिट हम थोड़ा बाद में रखेंगे ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अपने को। ओके, नाउ अब इस तरीके का जो इंटीग्रेशन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम ट्वेल्थ में पढ़े थे, क्या होता है, एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी। सो ये इसका हम यूज़ करेंगे। सो वी विल बी लैम्डा अपॉन 4πε0 एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो लिमिट अभी हम लिमिट पुट कर देते हैं ताकि हमें कांस्टेंट नहीं लेना पड़े। लिमिट क्या होगी, माइनस एल से प्लस एल, क्यों, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2L है, तो दिस साइड विल बी प्लस एल एंड दिस साइड विल बी माइनस एल। सो एल एंड एल क्या होगी, 2L, सो माइनस एल टू प्लस एल। सो पुट करते हैं लिमिट लैम्डा अपॉन 4πε0 एल एन प्लस एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस एल माइनस एल एन माइनस ऑफ एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो माइनस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको डिवाइड में लिख देते हैं, माइनस एल प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एल एन ए माइनस एल एन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन बी इक्वल्स टू एल एन ए बाई बी। सो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। ओके, सो ये हो गया अपना पोटेंशियल एट पॉइंट जेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगा। और कोई डाउट हो और या फिर बुक्स की कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा वाया कमेंट और वीडियो।